झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सदन की कार्यवाही आज भी हंगामेदार रहने की संभावना है। दूसरी तरफ नियोजन नीति रद्द होने से छात्रों में भी उबाल है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी आज विधानसभा का घेराव करेंगे और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रांची से मदन जुड़ चुके हैं। मदन, अब झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, क्या कुछ लेकर जो आज चर्चा होगी विधानसभा में? से आप दो दिनों के सत्र की कार्यवाही को देखें तो जिस तरह से लगातार हंगामे देखने को मिले हैं, तो आज तीसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं। लेकिन इसी हंगामे के बीच जिस तरह से कल द्वितीय अनुपूरक बजट सदन पटल पर वित्त मंत्री रामेश्वर राव ने रखा है, तो आज उस पर चर्चा होनी है। कल प्रश्नकाल बाधित रहा था, तो अब देखना होगा कि आज बीजेपी के द्वारा यानी कि मुख्य विपक्षी दल के द्वारा कौन से विषय को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी बीजेपी लगातार सरकार को घेरने में जुटी हुई है। कई ऐसे विषय हैं जिसको सदन में उठाना चाहती है बीजेपी, जिसमें आप देखें परसों के सत्र की शुरुआत के दिन की बात करें तो जिस तरह से साहेबगंज में रबीता पहाड़िया की हत्या हुई है, उस हत्या मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए थे। दूसरी तरफ जो राज्य में सबसे ज्वलंत मुद्दा है अभी नियोजन नीति रद्द होने को लेकर, तो फिर कल सदन के बाहर और सदन के भीतर लगातार विपक्ष के द्वारा नियोजन नीति रद्द होने को लेकर सरकार को घेरने का काम किया गया आज। वहीं दूसरी तरफ छात्र भी विधानसभा का घेराव करने के लिए पूरे राज्य से पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा एहतियातन उन सभी को 144 का नोटिस भी दिया गया है, तो अब देखना होगा कि छात्र कितनी संख्या में आज विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचते हैं। और बीजेपी जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी सरकार को घेरने में जुटी हुई है, तो कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के आज बीजेपी सरकार को घेरने के लिए सदन के भीतर और सदन के बाहर पहुंचती है, ये इसके लिए इंतजार करना होगा। धन्यवाद मदन तमाम जानकारियों के लिए। पारस एचयूसी हॉस्पिटल रांची, झारखंड का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, तमाम सुविधाओं के साथ अब यहाँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी। यहाँ उपलब्ध है किफायती दर पर उच्च विश्वसनीय इलाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ 40 आईसीयू बेड, 5 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा। पारस एचयूसी हॉस्पिटल रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह खाने में कूदे और फुल्ट उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं क्यों निकालो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।